वेल हेलो गाइस आउट देयर, दिस इज मी तुषार श्रीवास्तव वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और आज के इस व्लॉग में हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं अपने ही एक खुद के सॉन्ग को, जो कि 15 अगस्त को हमने रिलीज करा था, हमारा खुद का ऑफिशियल सॉन्ग। आई होप कि आप सबने उसको सुना होगा, और जिसने नहीं सुना है जाके सुन लो। और आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने काम करा है। उसमें बीट्स ले लो या फिर रिदम ले लो या फिर मेलोडी ले लो, हर चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करा है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज उसी सॉन्ग को मैं डीकंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ और एक एक लेयर बाय लेयर आप सबको दिखाने वाला हूँ उस चीज़ को। बिकॉज इससे पहले वाली वीडियो में हमने बीट मेकिंग सीखी थी ऑन एबल्टन स्टूडियो, तो इस बार हम इसमें देखेंगे कि हमने एबल्टन के अंदर किस तरीके से म्यूजिक को डिजाइन करा है, किस तरह से म्यूजिक को बनाया है और किस तरीके से एक एडवांस लेवल की बीट को क्रिएट करा है, और उसमें क्या क्या चीजों को हमने करा है। और उस सबको आपको देखकर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल लेवल का म्यूजिक किस तरह से बना सकते हैं। बिकॉज बनाना कैसे है वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में, और अब आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से म्यूजिक बना है, जिसको आप देख के और अपने दिमाग के हिसाब से और ज्यादा अपना विजुअलाइज करके हर एक चीजों को आप काम कर पाएंगे और ज्यादा प्रोफेशनल से प्रोफेशनल म्यूजिक को क्रिएट कर पाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा नीडफुल होने पाएगी। तो प्लीज आओ, तैयार हो जाओ, चलो करते हैं चालू और बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ और आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है। चलो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब इसमें मैं जानबूझ के अपनी वीडियो को मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, जस्ट बिकॉज ताकि आप लोग और ज़्यादा सिंसेरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर सकें और मैं भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, स्टार्ट करने से पहले देखो एक चीज़ मैं बताऊं, आप प्लीज़ जाके एक बार उस सॉन्ग को ज़रूर सुन लेना जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। बिकॉज आप उसको सुनोगे, उसके बाद डीकंस्ट्रक्शन देखोगे ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा फिर मज़ा आएगा सीखने में ना। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी और क्या क्या चीज़ें हमने बीट्स किस तरीके से डिज़ाइन करी होंगी, किस तरीके से म्यूज़िक में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट डाल रखा है, और उसको सुनो अच्छे से सॉन्ग को, चार चार पांच पांच बार रिपीट करके सुनो। फिर एक कॉपी लो, एक पेन लो और उसमें दिमाग लगाओ कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं, और उसके बाद जब फिर डीकंस्ट्रक्शन की हमारी वाली वीडियो देखो और फिर देखो कि आपका कितना गैस सही जाता है और क्या क्या आपको फिर समझ में आता है ना। तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले म्यूज़िक को सुनते हैं। इसमें मैंने अपने वोकल्स को ऑफ कर दिया है और बाकी सारी चीज़ें ऑन है। तो ठीक है, हम लोगों ने बहुत लंबा सुना सॉन्ग को, ओनली म्यूज़िक को सुना, बीच बीच में थोड़े बहुत वोकल्स भी मैंने आपके लिए ऑन करे, और हमने देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हमने लगा रखे हैं।
तो अब बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज अब हम लोग जरा डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे वोकल्स थे जिसको मैंने यहाँ से ऑफ कर रखा है, इसको हम ऑफ ही रहन देते हैं। कोरस है बीच में जो हमने डाल रखा है, उस पर चलो देर में आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं हमने किस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब भी मैं काम करता हूँ थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करता हूँ सब चीज़ें के, मैंने फोल्डर बना रखे हैं। वॉक्स यानी वोकल्स के अलग हैं, कॉर्ड्स के अलग हैं, मेलोडी के अलग हैं, और फिर ड्रम्स हैं जो कि ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स हमने यूज़ करे हैं इसमें, उसके अलग हैं, और फिर हमने एफएक्स जो यूज़ करे उसके अलग है, फिर अकूस्टिक ड्रम्स यूज़ करे उसके अलग है, और क्लासिकल भी कुछ बीट्स हमने यूज़ करी हैं उसके हमने अलग फोल्डर बनाए हैं। तो सबसे पहले एक बार स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं हम डीकंस्ट्रक्शन को चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें ओनली सुनने को मिल रही हैं, क्या? थोड़ी सी मेलोडी और कोरस। ठीक है, तो कोरस को देखते हैं। सबसे पहले कोरस पे जाते हैं और यहाँ पर हमने किस तरीके से कोरस को क्रिएट कर रखा है, कोरस को सोलो करते हैं, सुनते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फीमेल वॉइस को मैंने लेफ्ट राइट कर रखा है। अगर मैं इसको सिर्फ सुनाऊँ, इसके साथ मैंने अपनी भी वॉइस को लेफ्ट राइट कर रखा है। जैसे मैंने फीमेल वॉइस को 50/50 को लेफ्ट राइट करा है, तो मैंने अपने को थोड़ा सा कम 44 के आसपास कर रखा है। तो साथ में कैसे सुनने को मिल रहेगा? और बीच में मैंने एक अलग सी टोन यहाँ पे रिकॉर्ड करेगी जो कि फीमेल वॉइस में ही है, गौरांगी की आवाज़ में, और यहाँ पर हमको ये सुनने को मिलता है। ठीक है, तो चलो ये हमने सुना। अब जरा मेलोडी की तरफ बढ़ते हैं आगे और मेलोडी को सुनते हैं ध्यान से। बहुत ही सिंपल, स्टार्टिंग में बहुत ही लाइट है। सबसे पहले हम गिटार साफ साफ सुन सकते हैं, तो गिटार को सुनेंगे एक बार। ये हमारा अकोस्टिक गिटार हो गया, ये पैड्स हैं हमारे, और बेस, ये हमारा बेस आ गया। तो सबसे पहले ये तीन ही चीज़ें हैं स्टार्टिंग में और जो कि यहाँ पे हमारा म्यूज़िक को क्रिएट कर रही हैं। आपने देखा ये बीच में जो ये हल्की सी विसल टाइप की जो हमने यहाँ पे आवाज़ को डाला है, इससे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है सॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें ना, देखिए आपकी इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी की है कि आप किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा इसमें बहुत ही सिर्फ गिटार बज रहा है, पैड और बेस है, उसके ऊपर कोरस हमने इस तरह डाल रखा, और बीच में जो ये विसल टाइप की जो हमने यहाँ पे मॉड्यूलेशन लिया है वॉइस में, इसकी वजह से सिर्फ कम इतने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर हमको सुनाई पड़ रहा है ये ट्रैक। तो चलो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आगे चीज़ें आ रही हैं। तो ये बहुत ही प्यारा पैट्रियोटिक पीस यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। तो चलो अब एक बार इसको सिर्फ सोलो करके सुन लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर डाल रखा है। बहुत ही बढ़िया, तो चलो अब इसमें भी एक एक करके सुनते हैं। बहुत अमेजिंग, ये स्ट्रिंग्स बज रही हैं और ये बेस में है स्ट्रिंग्स में ही। और ये वायलिन, तो होता क्या है ना कि आप जिस जॉनर का सॉन्ग बना रहे हैं उसमें आपको सोचना है कि उसके अंदर कौन सी साउंड्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी और कौन सी साउंड आपके जॉनर के साथ जस्टिस करेंगी, जो कि आप बनाना चाहते हैं वैसी साउंड करवाएंगी आपके सॉन्ग को। तो जब हमने इसको बजाया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। एक बार सुनते हैं इसको। बेस और हाइज और मिड्स का कॉम्बिनेशन है ये, बेस हाइज और मिड्स, मतलब
ये स्ट्रिंग्स में ही बेस और हाइस और मिड्स के साथ है। अब इसमें जब हमने बीट्स डाले, इसमें अकोस्टिक ड्रम्स इस समय डालते तो ये थोड़ा पॉप साउंड करने लगता है, थोड़ा सा कह सकते हैं बॉलीवुड स्टाइल साउंड करने लगता है। लेकिन इसमें जब पैट्रियोटिक फील देनी थी तो हमको इसमें ऐसे ड्रम्स या फिर ऐसे बीट्स को इंट्रोड्यूस करना था जिससे ये ग्रैंड लगे और जिससे ये थोड़ा बड़ा लगे, क्योंकि ये देश की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की बीट्स को यहाँ पर डालना चाहिए। तो यहाँ पर सुन लेते हैं सबसे पहले अपनी बीट्स को, जो भी हमने यहाँ पर डाल रखी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है, जो कि है ऑर्केस्ट्रल बीट्स को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन करा है बीट्स को। अब जब इसी के साथ आप सुनेंगे तो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर साउंड करेगा। अब यहाँ से अकोस्टिक ड्रम्स चालू हो गए, बिकॉज हम पूरे में ये ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स को तो डालेंगे नहीं, बिकॉज हमको वेरिएशन चाहिए इसमें। तो अब इसमें हमने अकोस्टिकल ड्रम्स को यूज़ करा है, इंट्रोड्यूस करा है, जिसके सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एफएक्स डाला है जो कि है टैम्बोरिन, यानी कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं पायल की आवाज़ को हमने एज अ ट्रांजिशन यूज़ करा है, जिसके बाद अकोस्टिक ड्रम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स। तो ये किस तरीके से ट्रांजिशन आप सुन सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। अब वही जब मैंने इसमें टैम्बोरिन को डाला, ट्रांजिशन को डाला, तो ये कितना ज्यादा स्मूथ और प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं। तो ये है अकोस्टिक ड्रम, इनको आप सुन सकते हैं कैसे किक स्नेयर बीच में रोल को इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, राइड है, क्रैश है, हाई हैट्स है, टॉम्स है। आपको ड्रम बनाते हुए ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम किसी भी ड्रम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर बजाएंगे, डालेंगे, तो आप जानते हैं कि ड्रम के अंदर कितने सारे चीज़ें होती हैं। स्नेयर होता है, किक होता है और क्रैश होता है। इसमें हम क्या क्या रोल करते हैं, हाई हेड्स बजाते हैं, ओपन हेड्स बजाते हैं, है ना, क्लोज हेड्स बजाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपको कोशिश करनी है उसको भरने के लिए मोस्टली चीज़ों को यूज़ करने की, जो भी इसमें आपको अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से अकोस्टिक ड्रम्स को यहाँ पर यूज़ कर रखा है, किस तरीके से ट्रांजिशन को डाला है, किस तरीके से ऑर्केस्ट्रल ड्रम्स को यहाँ पर यूज़ करा है। अब चलते थोड़ा सा क्लासिकल बीट की तरफ, जहाँ से वो इंट्रोड्यूस हो रही है, और किस तरीके से हमने क्या चीज़ों को यहाँ पर डाल रखा है। अब यहाँ पर लाइट चल रहा है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फीमेल लाइन आने वाली थी। तो अब फीमेल लाइन आ रही थी तो यहाँ पर हमको कुछ अलग इंट्रोड्यूस करना था, बिकॉज पूरा गाना एक जैसा हमको साउंड नहीं कराना। हम चाहते थे कि थोड़ा सा अच्छा खासा वेरिएशन रहे और काफ़ी कलरफुल रहे, जस्ट हमारे प्यारे झंडे की तरह, जैसे वो इतना कलरफुल, इतना ज़्यादा अच्छा है, तो उसी की तरह हम भी रखना चाहते थे कि कुछ इस टाइप का म्यूज़िक बनाए जो बहुत ज़्यादा सुनने में कलरफुल, बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे और बहुत ज़्यादा देश को जस्टिफाई करे। तो एक बार सुनते हैं। तुझ पे क्या क्या लिखूं, तू सोने की चिड़िया क्या ये भी कहूं, उदेश मेरे तुझ पे क्या क्या लिखूं, तू सोने की चिड़िया क्या ये भी कहूं, तेरी कहानी का कोई नूर अशरा है, कोई नूर से। अब आप यहाँ पर सुन सकते हैं ड्रम्स एंड क्लासिकल बीट्स एंड ऑर्केस्ट्रल बीट्स सब चल रही है, सब ट्रांजिशन भी साथ साथ में चल रहे हैं। तेरी मिट्टी से खूबसूरत कफन क्या कोई, ओ वतना मेरे, तिरंगे से ऊंचा आसमां भी नहीं, दिल एक है, जान एक है, भारत
तरीके से ट्रम्पेट को डाला है, बिकॉज ट्रम्पेट के बिना तो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग बहुत ज्यादा अधूरा है। जिस तरीके से ट्रम्पेट स्ट्रिंग्स और बीट्स को हमने यहाँ पर यूज करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप सबने देखा गाइस कि किस तरीके से यहाँ पर हमने म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रखा है इस पूरे सॉन्ग के, तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा ये व्लॉग, बिकॉज इस व्लॉग में हमारा जो मेन मोटिव था कि आप सबको अपने सीक्रेट दिखाना कि हमने किस तरीके से यहाँ पे म्यूजिक को बनाया है, तो आप सबको यही देखना है, इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी है और इससे आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, अपने म्यूजिक को बनाना है। तो देखो हम कैसे बनाना है वो तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी बीट्स को, लेकिन किस तरीके से अब आप किस तरीके से न्यू कंपोजिशंस बना सकते हैं, किस तरीके से आप म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या आप डिज़ाइन रख सकते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया जो कि अपने खुद के सॉन्ग का है। तो इसी के साथ साथ अपने म्यूजिक बनाइए आप, और ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक बनाइए और कोशिश करिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के म्यूजिक बनाएं, जैसे कि हिप हॉप हो गया और कहते हैं R&B हो गया, तो अलग अलग जॉनरा के आप म्यूजिक बनाइए और उसके बाद आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करिए, और वहां से मैं आप सबके म्यूजिक को देखूंगा और उसको सुनूंगा खुद से, और पर्सनली आप सबको मैं उसका आंसर करूंगा या जो भी उसमें बेस्ट हो सकता है मैं उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि किस तरीके से हम एक म्यूजिक को बना सकते हैं, उसका अच्छा खासा आइडिया आप सबको मिल गया होगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, और अगर मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और डू कॉल मी, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो फिलहाल मिलते हैं फिर से अपने जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।